देखिए वो तो उस समय की बात है जब राजस्थान में पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ था, जब सचिन पायलट जी 18 एमएलए के साथ मानेसर चले गए थे। तो ये नेचुरल सी बात है कि कोई भी सरकार ऐसे समय में पूरी मॉनिटरिंग करती है, सर्विलांस पे लेती है कि वो किससे मिल रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं, क्योंकि सरकार गिरने की स्थिति आ गई थी ना। तो ऐसे समय में तमाम उन लोगों का जो उनके साथ थे, खुद सचिन पायलट जी का, उनके ऊपर पूरी मॉनिटरिंग की जा रही थी कि कौन लोग उनसे मिल रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं। तो वही सारा मसला था कि उनको ट्रैक किया जा रहा था, चाहे वो सर्विलांस पे लेने की बात हो, फोन्स की बात हो, कौन किससे बात कर रहा है, कहाँ मिल रहा है, ताकि आगे करेक्टिव मेजर्स लिए जा सकें। और मुझे लगता है वो सारा मॉनिटरिंग का ही परिणाम था कि कुछ लोगों को हम वापस लेके आ पाए। तो ये सारा मामला था। अब पीछा तो मॉनिटरिंग का ही हिस्सा है कि अगर कोई व्यक्ति कहाँ ठहर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, तो मॉनिटरिंग का ही हम उसको नाम देते हैं कि उसको पूरी तरह कैसे ट्रैक किया जाए, कि उसके हर मूवमेंट पे नज़र रखी जाए, ताकि जो भी मेजर्स लेना चाहे सरकार, उस तरीके से वो आगे एक्ट कर पाए। देखिए पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं, मैंने आरोप किसी पे नहीं लगाया, मैंने उन स्थितियों का, परिस्थितियों का चित्रण और वर्णन किया जिस वजह से आज हम अपनी सरकार को वापसी में नहीं करवा पाए या सरकार रिपीट नहीं करवा पाए। तो मुझे लगता है सचिन पायलट जी को भी उन सब चीज़ों की जानकारी होगी कि उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है, उनको ट्रैक किया जा रहा है, और उनका ये कहना कि ये जो सारी चीज़ें हैं इस पर अब संज्ञान लिया जाना चाहिए, मुझे लगता है कि उचित है। ये जो भी चीज़ें हैं ये पार्टी की भलाई के लिए हैं कि आने वाले समय में हमें बड़ी चुनौतियों का सामना करना है, लोकसभा चुनाव में हमें जाना है। तो मैं ये मानता हूँ कि युवाओं को, नए लोगों को, नौजवानों को अब प्रदेश में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, बदलाव की आवश्यकता है, ताकि हम मजबूती से आने वाले चुनावों में अपनी परफॉर्मेंस दे सकें। जिस विचारधारा से हमारी लड़ाई है, उस विचारधारा से हम मजबूती के साथ टक्कर ले सकें, और वो तभी संभव होगा जब ये ढर्रा बदलेगा, नयापन होगा, नौजवान लोग आगे आएंगे जिनमें कुछ करने का जज्बा है, नया जोश है, तब जाके हम अपनी उस लड़ाई को कंटिन्यू रख पाएंगे जिसके लिए हम पिछले कई वर्षों से उस विचारधारा से लड़ाई लड़ रहे हैं।